हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ। इस वीडियो में हम जानेंगे रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, यानी गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसको आप उसे आप क्या करते हो, किसी भी मिरर में देखते हो या फिर दर्पण में देखते हो, तो क्या होता है, उसके अंदर चित्र दिखता है ना उस वस्तु का, तो वही चित्र क्या कहलाता है, वही चित्र को हम कहते हैं प्रतिबिंब यानी इमेज। समझ गए, इमेज क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास होगा अगर उसको, या फिर आपका चेहरा ही एक ऑब्जेक्ट है, आप अपने चेहरे को अगर मिरर में देखते हो तो क्या होता है, आपका चेहरे का चित्र दिखाई देता है उसके अंदर, तो वही क्या है, इमेज है आपके चेहरे की। हिंदी में क्या बोलेंगे, जो चित्र दिखाई दे रहा है उसी को बोलेंगे हम प्रतिबिंब। तो इसी के रूल्स देखेंगे, स्फेरिकल मिरर में क्या क्या रूल्स होते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। देखो, ये चीजें आप पिछली वीडियो में देख चुके हो, मैं आपको बस रिवाइज कराऊंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देखिए। तो मैंने आपको बताया था कि क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण है। यहाँ पे C4 यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और ये जो लाइन देख रहे हो इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और जो ये यहाँ पे पॉइंट है ये है प्रिंसिपल फोकस, और P4 यहाँ पे क्या है, पोल। तो इसी तरह से कन्वेक्स में भी होगा, पोल होगा, फोकस होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस यानी ध्रुव होगा, मुख्य फोकस होगा, वक्रता केंद्र होगा, और मुख्य अक्ष होगा। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको प्लीज देखिए, तभी आप इस वीडियो में आगे बढ़िए। तो हम रूल्स जानने वाले हैं, देखिए हम रूल्स देखेंगे, वो भी चार रूल देखेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन कनकेव, इन कन्वेक्स इट अपीयर्स टू बी डाइवर्ज्ड फ्रॉम फोकस। कहने का मतलब है, अगर हमारे पास क्या है, एक कनकेव मिरर है, ठीक है, उसमें क्या है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अगर कोई एक लाइट रे क्या होती है, पैरेलल आती है, पैरेलल आती है किसके पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी जो डॉटेड लाइन है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइट रेज आती है और वो पड़ती है किसके ऊपर, कनकेव मिरर के ऊपर। पड़ने के बाद क्या होगा, वहां पे रिफ्लेक्शन होगा, है ना, इससे टकरा के फिर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो इसने क्या बाउंस बैक किया, से रिफ्लेक्शन हो गया। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहां से जाती है, वो जाती है फोकस से होकर, देखो यहां से रिफ्लेक्शन हुआ फिर फोकस से होकर जा रही है। तो ये पहला रूल है, इसी को हम हिंदी में समझते हैं। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाती है तथा अवतल में फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। कहने का मतलब क्या है, देखो अगर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास प्रकाश की किरण है, वो क्या है, समांतर है, समांतर किसके है, ये मुख्य अक्ष के, जो ये आप डॉट डॉट लाइन देख रहे हो ये है मुख्य अक्ष, इसके समांतर ये किरण है। समांतर का मतलब इस किरण और मुख्य अक्ष के बीच में क्या समान दूरी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी समान दूरी है, तो उसको बोलते हैं हम समांतर। तो ये किरण आई है, समांतर आई है, किस पे पड़ रही है, ये पड़ रही है अवतल दर्पण पे। पड़ने के बाद क्या होगा, इसका परावर्तन होगा, परावर्तन होने के बाद ये कहां से जाती है, ये जाती है फोकस से होकर। तो समझ गए, इसी तरह से क्या होगा, कन्वेक्स में भी होगा, कन्वेक्स में क्या होगा, यानी कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, जो लाइट रेज होंगी वो क्या होगी, पैरेलल आएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा, वो फोकस से तो होके ये देखो जा नहीं रही है यानी, लेकिन क्या है, अगर हम इसको पीछे से बढ़ाए तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर आई है, है ना, क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, रेज को डाइवर्ज करता है, इसलिए क्या है, हमें ऐसे पता लग रहा है कि क्या है, यहां से फोकस से होके ये आई है। समझ गए, हिंदी में इसी को कहूं मैं, तो क्या होगा कि जब भी हमारे पास उत्तल दर्पण होगा तो अगर उस पर क्या है, कोई भी प्रकाश की किरण पड़ेगी और वो क्या है, समांतर है किसके, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष देख रहे हो तो डॉटेड लाइन, तो क्या होगा, ये क्या होगा, परावर्तन होने के बाद क्या होगा, ये इधर से चली गई, तो यानी ये ऐसा प्रतीत होगा हमें कि क्या है, ये फोकस से होकर आई है, यानी क्या है, जो हमारा उत्तल दर्पण होता है वो किरणों को क्या करता है, वो अपसरित करता है, अपसरित माने फैला देता है, समझ गए, तो इसलिए क्या ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये फोकस से होकर आई है। तो पहला रूल ये था। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल इमर्ज
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कनकेव मिरर है, ठीक है, उसी का उल्टा, पहले रूल का उल्टा है दूसरा रूल। क्या है कि अगर क्या हो, हमारे पास लाइट की रे फोकस से होके आए और क्या हो, हमारे इस कनकेव मिरर पर पड़े, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, जो ये रेज है वो क्या पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ गए, यानी पहले रूल का उल्टा है। पहले रूल में था कि क्या है, अगर पैरेलल आती है तो वो फोकस से होके जाती है, दूसरे में ये है कि फोकस से होके आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। हिंदी में कहें तो मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो यदि क्या है, हमारे पास प्रकाश की किरण है, अगर वो फोकस से होके आ रही है, अवतल दर्पण में पड़ रही है, उसके बाद क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद क्या होगा, वो समांतर हो जाती है किसके, मुख्य अक्ष के। ये डॉट डॉट लाइन देख रहे हो आप, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हो गई ये लाइन, यानी जो परावर्तित किरण है उसके समांतर हो गई है। समझ गए, आगे देखते हैं कन्वेक्स में भी सेम यही चीज क्या है, अगर कोई भी लाइट रेज क्या हो, अगर वो फोकस पे आए, देखो ये फोकस से तो आएगी नहीं क्योंकि क्या यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कोटिंग हो रखी है ना, तो लेकिन हमें क्या होगा, ऐसा लगेगा कि क्या है इधर से इधर आई है फोकस पे, तो इधर आई है, जब ये फोकस पे आ रही है तो क्या हुई है, पैरेलल हो गई, किसके पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के। यानी अगर डॉट डॉट करें तो इसका मतलब देखो, ये जो लाइट रे है ये फोकस पे पड़ी है, लेकिन क्या है, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। हिंदी में बात कहें तो जब भी हमारे पास उत्तल दर्पण होगा, उस पर कोई प्रकाश की किरण फोकस पे पड़ेगी, तो फोकस पे पड़ने के बाद क्या होगा, वो परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। यानी हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर फोकस पोल है, अगर कोई भी लाइट की रे वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ से सी से आ रही है और इस मिरर के ऊपर पड़ रही है, कनकेव मिरर के ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रेज कहाँ जाएंगी, ये रेज क्या आएंगी, जिस रास्ते से आई थी, यानी जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस हो जाएगी, यानी इसी पे से ही वापस हो जाएगी। समझ गए, हिंदी में अगर इसे देखें तो हिंदी में क्या है, जब भी क्या है वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, यानी सी है क्या, हमारा वक्रता केंद्र है, अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है और हमारे अवतल दर्पण पे पड़ रही है, तो परावर्तन के बाद क्या होगा, ये उसी ही रास्ते से वापस चली जाएगी जिस रास्ते से आई थी। समझ गए, कन्वेक्स मिरर में देखते हैं सेम यही क्या है, कोई भी लाइट की रे है, अगर वो क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी डायरेक्शन में, मतलब उसी पाथ से वापस चली जाएगी। समझ गए, अगर ऐसा हम मानते हैं तो, ठीक है, ये जो रेज है ये यहाँ तक ऐसे आ रही है, डॉट डॉट मैंने बनाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा तो ये इधर थोड़ी आएगी, इसलिए डॉट डॉट हमें दिखाना पड़ा। हिंदी में अगर देख कहें तो क्या होगा, अगर क्या है उत्तल दर्पण हमारे पास है, उस पे क्या प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, वो प्रकाश की किरणें किधर जा रही हैं, वो जा रही हैं वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे परावर्तन होगा दर्पण के ऊपर, परावर्तन होने के बाद जो प्रकाश की किरणें हैं परावर्तित हो जाएंगी, परावर्तित होने के बाद वो कहां से जाएंगी, उसी रास्ते से वापिस चली जाए, लौट आएंगी, ठीक है, जिस रास्ते से वो आई थी। समझ गए, फोर्थ रूल क्या है, चौथा नियम क्या है, ए रे इंसिडेंट एट पोल With an incident angle is reflected back after making same angle of incident. यानी हमारे पास क्या है, यहाँ पे concave mirror है, यहाँ पे pole है, यहाँ focus है, यहाँ center of curvature है, हमारे पास light की rays है वो क्या है pole पे पड़ रही है, यहाँ देखो pole पड़ रही है और यहाँ पे कुछ angle ये form हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है reflection होने के बाद क्या है बराबर का ही angle form करती है ये light rays, ठीक है, तो ये क्या है, ये fourth rule है। हिंदी में अगर कहें तो हिंदी में क्या है, हमारे पास अगर अवतल दर्पण है उसके ऊपर क्या है प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, वो कहाँ पड़ रही हैं, वो पड़ रही हैं पोल पर, यानी ध्रुव पर पड़ रही हैं, ध्रुव पर पड़ रही हैं, तो यहाँ पे क्या है एक एंगल बन रहा है, एक कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा परावर्तन होने के बाद भी क्या होगा ये बराबर का ही कोण बनाते हुए क्या होगा परावर्तित हो जा रही है। समझ गए, अब हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर में क्या है, जब भी लाइट रेज क्या है पोल पे पड़ती है तो वो क्या होती है कुछ एंगल से अगर पड़ रही है पोल पे तो उसी का एंगल बराबर का एंगल बनाते हुए क्या होगी वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है कन्वेक्स मिरर में। हिंदी में कहें तो
कि जब भी क्या है उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण पे अगर कोई प्रकाश की किरण उसके पोल पे पड़ती है यानी ध्रुव पर पड़ती है और वो कोई कोण बना रही है तो क्या होगा, परावर्तन के बाद वो बराबर का कोण बनाते हुए क्या होगी, वो परावर्तित हो जाएगी। समझ गए? तो ये चार रूल हैं गोली दर्पण में प्रतिबिंब को बनने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।